हेलो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे माइक्रोप्रोसेसर के बारे में। ठीक है, तो माइक्रोप्रोसेसर होता क्या है? माइक्रोप्रोसेसर एक कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, ये माइक्रो कंप्यूटिंग के लिए यूज़ होता है। तो ये जो है, ये प्लेटफॉर्म यूज़ होता है बेसिकली अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो ऑपरेशंस रहते हैं उसे परफॉर्म करने के लिए, और कम्युनिकेट करता है अदर्स डिवाइस के साथ, जैसे इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस है, जैसे माउस, कीबोर्ड वगैरह वगैरह, प्रिंटर्स एक्सेट्रा, कुछ भी। मतलब आपको पता ही है, माइक्रोप्रोसेसर हर एक चीज़ में लगा रहता है। तो इस मतलब वीडियो में मैं खाली पेन डायग्राम को डिस्क्राइब कर देता हूँ, तो इससे बाद वाले में आपको आर्किटेक्ट मिल जाएगा, आपको एड्रेसिंग मोड मिल जाएगा 8085 का, इंटरप्ट मिल जाएगा 8085 का, एंड प्रोग्रामिंग भी मिल जाएगा। तो सबसे अच्छा वाला पार्ट है प्रोग्रामिंग वाला पार्ट, मुझे लगता है ये आप सभी को इंटरेस्ट लगेगा इस पार्ट को सीखने में। तो बेसिकली 8085 जो माइक्रोप्रोसेसर है वो 8-bit माइक्रोप्रोसेसर है। ठीक है, वो डिज़ाइन बाय इंटेल है, 1977 में आया था ये, और ये एनमॉस, ठीक है, एनमॉस टेक्नोलॉजी में ये बना हुआ है। तो इसमें जो बेसिकली मैंने पहले भी बताया था, ये 8-bit डेटा बस यूज़ करता है, और 16-bit इसका एड्रेस बस है, जिसके कारण ये 64 KB को सपोर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम काउंटर भी 16 बिट का है, स्टैक पॉइंटर भी 16 बिट का है, 6 8 बिट रजिस्टर्स इन पेयर। मतलब जब हम आर्किटेक्चर पढ़ेंगे ना, तब हमको ये रजिस्टर का पेयर का मतलब समझ में आएगा। मतलब वहाँ पे आपको एक जो रजिस्टर है वो आपको दिखेगा, तब आपको समझ में आएगा ये पेयर, व्हाई आई एम सेइंग दैट पेयर। ओके, तो बी सी डी एच एल ये सब पेयर है। ठीक है, और इसको जो पावर सप्लाई चाहिए वो 5 वोल्ट होता है, डीसी होता है ऑब्वियसली, एंड इसे ऑपरेट करने के लिए 3.2 MHz सिंगल फ्लैश क्लॉक चाहिए। तो सिंगल फ्लैश क्लॉक जो है वो बेसिकली क्रिस्टल ऑसिलेटर है। ठीक है, तो 3.2 MHz का हम क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज़ करेंगे इन प्रैक्टिकल, और ये आज के टाइम पे भी यूज़ होता है। आपको पता है कभी आया था ये? 1977 में आया था, फिर भी आज भी यूज़ होता है, वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है, माइक्रोवेवन में यूज़ होता है, मोबाइल फोन्स में भी यूज़ होता है। मतलब हम लोग का जो स्मार्टफोन है उसमें भी है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका पिन डायग्राम। ठीक है, इसका पिन कुछ इस तरीके का पिन रहता है, 40 पिन का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नॉच रहेगा जो पिक्चर में है नहीं, इस नॉच को देख के आपको मालूम चल जाएगा कि ये मतलब कौन सा सीधा पार्ट है, कौन सा टेढ़ा पार्ट है। ठीक है, तो बेसिकली 1 2 जो है एक क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये इन हो रहा है, इसलिए एरो, ठीक है, इस दिशा में इसलिए है क्योंकि ये इनपुट हो रहा है, जो वाला आउट होता है वो आउट के तरफ है। ठीक है, सीरियल जो डाटा आउट होता है तो वो इस साइड पे है, जो इन तो इन होता है एस आई डी, वो इस तरीके, तो ऐसे ऐसे रखा हुआ है। तो आप इसे वीडियो को पॉज करके इस पिक्चर को ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो ड्रॉ करने के बाद मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, आप लोग पहले ड्रॉ कर लीजिए। तो इसको आपको याद कैसे रखना है? ठीक है, तो आपको पहले तो क्रिस्टल है, आपको पता ही है, पहले दो में क्रिस्टल लगेगा, 1 2, उसके बाद आता है रिसेट आउट, उसके बाद आता है एस ओ डी एस आई डी। ठीक है, उसके बाद से ये जो ट्रैप से स्टार्ट हुआ ना, ये सब इंटरप्ट है। ठीक है, तो इंटरप्ट वगैरह आ गया, तो उसके बाद आता है ए डी। ये ए डी जो है, ठीक है, ए डी 0 to AD7, ये है आपका एड्रेस प्लस डाटा बस। ठीक है, एड्रेस बस भी यही है, डाटा बस भी यही है। उसके बाद आता है वी एस ए राउंड है। ठीक है,
तो उसके बाद 21 से 28 तक हमको एड्रेस बस दिख जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो थे वो क्या थे, वो हम लोगों का एड्रेस प्लस डेटा बस थे, और ये जो है ये सिर्फ एड्रेस बसेस है, ठीक है। उसके बाद राइट रीड वो सब मिल जाता है, तो यहाँ पे क्लॉक आउट मिल जाता है, यहाँ से मतलब फ्रीक्वेंसी निकलता है, ठीक है। तो होल्ड HLDA ये सब का अपना अपना काम है, ठीक है। और VCC जो है वो हम लोग का प्लस 5 वोल्ट सप्लाई है, ठीक है। तो इनका जो जो काम है वो मैंने दे दिया है, ठीक है। इसको भी आप पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए, या फिर आप पॉज करके इसको लिख लीजिए, क्योंकि आप आपको जब क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि आपको पिन डायग्राम ड्रॉ करना है और उसका पार्ट्स को डिस्कस करना है, तो आपको पिक्चर तो देना ही है, प्लस ये सब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। डिटेल्स में लिखा हुआ है, इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि इसको आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने जो कहा वो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे पावर सप्लाई सिग्नल के लिए 2 पिन्स है, तो उन दोनों का पिन नंबर भी दिया हुआ है, तो वो कौन सा पिन क्या इंडिकेट के लिए रखा हुआ है। VCC का मतलब 5 वोल्ट है, VSS का मतलब ग्राउंड है, एड्रेस बस कहाँ से कितना तक है, डाटा बस कितना से कितना है, तो वो सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको और भी नज़र में आएगा कि स्टेटस एंड कंट्रोल सिग्नल्स जो है तो वो कितने तरीके का है और वो क्या क्या है। तो ये रहा जो कंट्रोल के लिए है, कंट्रोल सिग्नल है, और ये 3 टाइप का स्टेटस सिग्नल भी है। तो 3 टाइप का जो कंट्रोल सिग्नल्स है वो है RD, मतलब रीड राइट, ALE जो है वो, ये जो तीनों है ना, ये तीनों है हम लोगों का कंट्रोलिंग के लिए है, ठीक है। कंट्रोल करता है ये सब। तो और यहाँ पे जो जो है वो स्टेटस सिग्नल को दिखाता है, जैसे IO मेमोरी हो गया, या फिर SO, S1 ये सब दिखाता है। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स में मिल जाएगा, तो आप पढ़ लीजिए थोड़ा और लिख लीजिए, ठीक है। तो ये तो था ही, इसके बाद आता है जो वो है यहाँ पे क्लॉक, ठीक है। कितने तरीके का क्लॉक है, 3 टाइप का है यहाँ पे। यहाँ पे X1 X2 मैंने बताया था, जो जिसमें क्रिस्टल लगेगा, और क्लॉक आउट आपको पता है, और ये जेनरेट होता है, ये जो है ये दोनों में ही लगेगा, ठीक है। X1 X2 दोनों में ही लगेगा, क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है ना वो लगेगा, और इंटा जो है एक्नॉलेजमेंट, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट है, रिसेट इन। अब इसको भी पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ये लिखने के बाद इतना तक ही है बस, इसको लिखने के बाद, इतना तक लिखने के बाद आपका क्वेश्चन का आंसर ख़त्म होता है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मैं आज नहीं बोलूँगा, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आपको मैंने बता दिया तो आपको खुद प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आप पिन डायग्राम एक दिन में कर सकते हो, पर आप एक दिन में पिन डायग्राम प्लस आर्किटेक्चर नहीं कर पाओगे, ठीक है। दोनों को समझने में थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा, पढ़ना भी है भाई, सेमेस्टर तो आ ही रहा है आप लोगों का। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर सेमेस्टर, एंड मेरा वीडियो एंड होता है अभी, तो इसके बाद वाले में हम आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी बजाने का ज़रूरत नहीं है, घंटी बजाना मैंडेटरी नहीं है, पर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि उससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। अगर आप घंटी बजाते हो तो मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा, वो मैं नहीं चाहता हूँ। आपको डिस्टर्ब फील कराने का कोई भी मीनिंग मेरा नहीं है, बस आप सब्सक्राइब मार देना, क्योंकि यूट्यूब में सब्सक्रिप्शन बढ़ना एक ज़रूरी बात है, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर मारना, घंटी बजाने का कोई ज़रूरत नहीं है मेरे चैनल पर। थैंक यू।